नमस्कार आदाब, फिर टुडे न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शावेज हुसैन जैदी। लिसाड़ी रोड नूरनगर की पुलिया के पास एक बच्चे की, जो कि 6 साल की उम्र बताई जा रही है, इब्राहिम की करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चा कहीं रास्ते से गुजर रहा था और उसी वक्त उसने उसका हाथ ट्रांसफार्मर से छू गया और ट्रांसफार्मर जो है ज़मीन पर रखा हुआ है, जिसके कारण इस बच्चे की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शी जो लोग हैं उनका यही कहना है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कीचड़ है और बच्चे ने कहीं ना कहीं बचने के लिए कीचड़ से उस ट्रांसफार्मर का सहारा लिया और सहारा उसकी मौत का कारण बन गया। पर भाई दो तीन बार हादसे, कोई सुनवाई नहीं है। एक बच्चे का इंतकाल होगा, चौथा केस आज ही हूं। कोई कुछ कोई बर्दाश्त नहीं है, कुछ नहीं है। बिजली भाग वाला कोई आदमी नहीं आया यहाँ पर, कोई आ रहा देख रहा बस नुकारे बस ले जाए अपने घर पे, अपने बच्चों को अपने घर। कोई इंसाफ नहीं मिल रहा बच्चों को। आप लोगों ने किसी को इत्तला दी है? इंसाफ चाहिए। मैं हम पूरी प्रशासन के सबके साथ है। किसी अधिकारी को बुलाया आप लोगों ने? कोई नहीं आ रहा। अभी अभी आएगा, अभी आएगा। मैं अभी बात करता हूँ यहाँ पे, सबको फोन कर लिया। कोई अनुमति नहीं अभी अभी बताओ। 1000 आदमी चलता है, पानी लगा सब भरा पड़ा रहता है यहाँ पे। 1000 आदमी चलता है, कुछ भी नहीं है। ये हमारा कॉलोनी सारी रोड पे, सारी रोड ईदगाह लोग अच्छा, ये इनमें करंट आ रहा है। आप आगे की ले लो। क्या नाम है इस बच्चे का? हाँ, इस बच्चे का क्या नाम है? इस बच्चे का इब्राहिम नाम लिखा है, वो इब्राहिम। इब्राहिम, हाँ इब्राहिम नाम है। हाँ, क्या बच्चा है ये? जी बच्चा मजदूर आदमी, रिक्शा चलावे, रिक्शा चलाता है। अच्छा, मजदूर आदमी है बेचारे, रिक्शा चलावे ये। अच्छा, बच्चा निकल के जा रहा था, ट्रांसफार्मर में करंट मार दिया। ना तो कोई फाउंडेशन है ना कुछ है यहाँ पर। ये देखो ट्रांसफार्मर का रखा हुआ है। अब से पहला ये तीसरा केस है ये। 1000 आदमी निकलता है यहाँ को। हाँ, 3-4 भैंस मर चुकी है और तीसरा केस बच्चे के साथ है ये। शिकायत हुई, कुछ सुनवाई नहीं होती, कुछ सुनवाई नहीं है, कुछ सुनवाई नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पर। देखो उधर देखो, वहाँ पर हम मरने वहाँ पर देखो। 5 घंटे हो गए यहाँ पर, कोई अधिकारी नहीं आया यहाँ पर, कोई बिजली विभाग, बिजली विभाग से कोई आदमी नहीं आया यहाँ पर। यहाँ कोई नहीं आ रहा बिल्कुल भी, अभी तक यहाँ कोई नहीं आया। 5 घंटे हो गए, 5 घंटे किसी को सूचना दी थी यहाँ पर? सबको सूचना देते, कोई नहीं आ रहा, नहीं है कोई नहीं आ रहा यहाँ पर। सर आप वहाँ देखो, वहाँ एल्ट इस बच्चों हल्का सा, आजो 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 आजो, हटियो भैया, हटियो हटियो, थोड़ा सा। सर ये यहाँ की जो पब्लिक है ये चाह रही है, इनके जो पेरेंट्स हैं ये चाह रहे हैं, इनकी सबसे पहले तो ये किया है कि मतलब इस पे कार्यवाही होनी चाहिए, इसके जो भी है इसकी घेराबंदी होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि इनकी मदद होनी चाहिए, बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं, ठीक है ना, रिक्शा चलाते हैं इसके फादर। अभी मैं बात कर रहा हूँ। हेलो हेलो, आप परेशान ना हो, कहाँ से परेशान? निसाड़ी रोड पे, क्योंकि आवागमन के रास्ते भी बिल्कुल बेकार हुए पड़े हैं यहाँ पे। इनको जरा सा इंसाफ मिल जाए बच्चों का, इनके परिवार को। आप आ जाएंगे तो जरा सा आपसे सबको उम्मीद जगी हुई है। ठीक है, अभी मैं भेज रहा हूँ, जरा इधर डेथ हो गई है बच्चे की, मैं इसमें आया हूँ, अभी भेज रहा हूँ इधर नूरनगर, अभी आ रहे हैं उधर। ठीक है, अभी आ रहे हैं लिसाड़ी रोड पे, नूरनगर की पुलिया पे। यहाँ ये जो क्या नाम वो है ना, ईदगाह हाँ, 5 साल का बच्चा। हाँ, ये नूरनगर से पहले ही, नूरनगर की पुलिया से 20 कदम पहले बराबर में। नहीं रोड पे रहूंगा, आप टेंशन ना लें। अभी एडीएम साहब से बात करी है और अभी बिजली विभाग से जो है पूरी तरीके से, मैं इनका पूरी तरीके से, इनको पूरे तरीके से न्याय मिलेगा, आप टेंशन ना लो। हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप टेंशन ना लो बिल्कुल भी। जब बिल बने 50,000 के, हम आपके लिए यहाँ पर जब बिल बनने के लिए तैयार। आप परेशान ना हो, कोई भी पूरी मदद होगी, किसी के साथ भी हो सकता है, इंशाल्लाह पूरी मदद होगी, आप लोगों की टेंशन ना लें।
इस पर घुमा लो घुमा इनके परिवार को मिलना चाहिए भैया कोई कहना कम से कम क्योंकि गरीब परिवार है ना रहने की जगह ना कुछ एक बच्चा इनके और ये इस तरीके से इनकी मदद होनी चाहिए हम अपने और प्रशासनिक अधिकारियों को बताएंगे जी सूचना भी दे रहे हैं बिल्कुल नहीं मैंने बात कर ली एडीएम साहब से अभी आ रहे हैं वो भेज रहे हैं आप भी देख रहे हो बहुत ज्यादा काम छोड़ के आया हूँ मुझे कचहरी जाना था और कचहरी में मुझे अपना टिकट लेने जाना था अभी लेकिन मैं इनकी खुद भी कचहरी से वहीं से भागा हुआ आया ऐसी बात नहीं है जब आदमी काम जब काम देखो ये परेशानी का सबब इनके आज इनके साथ है इसी के साथ अरे भैया मैं क्या करूं मेरा बच्चा क्या करूं मैं फोटो क्यों खींच रहे भैया मेरा तो बच्चा चला गया अल्लाह अल्लाह मैं क्या करूं अल्लाह अल्लाह मेरा बच्चा अल्लाह मेरा बच्चा अल्लाह मेरा फूल सा बच्चा मेरा फूल सा मेरा फूल सा बच्चा भैया बाजी नीचे को बैठ जा नीचे फूल सा बच्चा और मैंने उन्हें एसीएम साहब से बताया है ठीक है उसमें जो भी संभव होगा इसकी मदद होगी बच्चे की और अरुण कुमार जी है उनसे बात हुई मेरी अभी तक वो भेज भी रहे हैं किसी को ठीक है इस पे बैरिकेडिंग करवा देंगे इसके लिए भी सुरक्षा के देखो पुलिस थाने को अगर नहीं बताया जाता इन चीजों को तो कभी कभी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं जैसे बच्चे के साथ में हो गया तो इस चीज के लिए भी देखो, हम पुलिस थाने मसला खराब है भाई पूरा एरिया आज तक खराब है क्या पुलिस थाने को पहले खबर नहीं हुई थी पुलिस को जब भी खबर होती है पुलिस उस पर प्रभावी कार्रवाई करती है जो कानूनी रूप से होता है उस प्रकार की कार्रवाई की जाती है और इस बच्चे के प्रति भी पूरी हमारी सहानुभूति है और इसमें भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ठीक अच्छा इन्हें को कोई बच्चे के जैसे परिवार को कोई मिलेगा इस बारे में उच्च अधिकारी से बात की जाएगी अगर संभव होगा जरूर हेल्प की जाएगी बच्चे की बच्चे के परिजनों की पूरी हेल्प की जाएगी अगर यहाँ पे हिसाब से मैंने फोन किया है एडीएम सिटी और उन्होंने जो है मुझे पूरी तरीके से बोला है कि हम लोग जो है इसको हल्के में नहीं लेंगे मनका जी हल्के में लोग हो तो यहीं हमारा रोड जाम है और बच्चे को 1 करोड़ रुपए की कम से कम इसके परिवार को मदद होनी चाहिए इसलिए हर गरीब आदमी के हम लोग साथ हैं चाहे वो व्यापारी हो या अपना कोई भी हो तो हम उनके साथ हैं तन मन धन से भी साथ हैं हम अपनी पार्टी से करेंगे इनकी मदद चाहे हमें चंदा मांग मांग से पब्लिक से करना पड़े इनकी मदद जरूर करके हटेंगे हम लोग मेरी जिम्मेदारी जैसा बोलेंगे वैसा बन जाके बोलूंगा एक तो जाम लगाओगे उससे स्वयं बचाने ठीक है आपकी बात सम सहमत अभी सुनो मेरी बात अभी आगे ही एक मेरा बेटा ये इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम वहां पे करंट से मार दिया बन गया ठीक है
परेशान ना हो बिल्कुल भाई साहब, चुप रहा चुप रहा भाई, परेशान ना हो बिल्कुल भी, ठीक है ना इंशाल्लाह। यहाँ पर एक बच्चे के उसको ट्रांसफार्मर ने पकड़ लिया था जिसके मौके पर ही मौत हो गई थी। इस बारे में हमने अब से पहले भी कई बार प्रशासन को अवगत कराया कि अगर ये ट्रांसफार्मर ऊंचा नहीं हुआ तो आने वाले वक्त में कोई भी हादसा हो सकता है। अभी हमने प्रशासन से कहा है कि इसको 24 घंटे के अंदर इस ट्रांसफार्मर को यहाँ से हटाए या इसकी ऊंचाई करें। अगर 24 घंटे में ये कार्रवाई नहीं होती है तो अब तो हमने जाम को परिजनों से बात करके खुलवा दिया है, नहीं तो 24 घंटे बाद मैं खुद यहाँ पर जाम लगा बैठ जाऊँगा। प्रशासन जेल भेजना चाहे हमें जेल भेज दे, लेकिन हम जनता का उत्पीड़न नहीं होने देंगे। अच्छा, जिस तरह से 13 साल का एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा, 8 साल की उम्र होगी लगभग इसकी, और ये गरीब परिवार से है, इसके मदद के लिए भी आपके प्रशासन, इसके लिए अभी प्रशासन ने बातचीत की है। एक तो बिजली विभाग तत्काल प्रभाव से मदद वो करेगा, और मुख्यमंत्री राहत कोष से जो 5 लाख रुपए का प्रावधान है उसको, उसके लिए डीएम साहब से बातचीत हो रही है, कोशिश करेंगे उसको जल्द से 5 लाख रुपए का मुआवजा मिल जाए। अच्छा, इससे पहले भी बहुत सी मौतें हो चुकी हैं, यहाँ पर बताया जा रहा 3 मौतें इससे पहले हो चुकी हैं जी, तो ये बहुत बड़ी घोर लापरवाही है, तो इस पे बिजली विभाग पे केस क्यों नहीं होना चाहिए इसके? अभी हमने पुलिस के जो अधिकारी हैं उनसे इसी बात को बोला है कि जो इसमें पुलिस प्रशासन से कि जो बिजली के अधिकारी की लापरवाही की वजह से ये लगातार हादसे हो रहे हैं उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती तो 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, 24 घंटे बाद यहीं पर फिर मैं दोबारा जाम लगा के मैं बैठ जाऊंगा। ठीक है सर, ठीक है। क्या नाम है जी? मेरा नाम करार हुसैन है और मैं स्टूडेंट सेवा समिति नेशनल प्रेसिडेंट जी। जिस तरह से मामला हुआ है जी, तो आपने प्रशासन से क्या मांग की? सर, प्रशासन से हमने मांग की है कि अगर इसको 24 घंटे के अंदर न्याय नहीं मिलता बच्चे को तो हम आगे तक किसकी कार्यवाही करेंगे और डीएम साहब तक पहुंचेंगे हम इसको, जो जैसे धारा 144 लगी हुई है, चुनाव का भी माहौल बना हुआ है, चारों तरफ एक अलग तरह का माहौल है, तो इसमें भाई ऐसा भी हो सकता है कि जितनी पब्लिक है यहाँ किसी पे कोई दिक्कत समस्या परेशानी आए, हम वो भी नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि इस बच्चे को जल्द से जल्द 24 घंटे के अंदर इसको इंसाफ मिलना चाहिए, ठीक है, हम इनके साथ हैं, और अगर इनको इंसाफ नहीं मिलता तो हम डीएम साहब तक वहाँ घेराव करेंगे। समझ में ली है स्थिति, अभी निर्देश दे देंगे साहब जी। इधर हो जाओ, थोड़ा उधर आ जाओ, थोड़ा उधर, इधर से निकलेंगे। जिस तरह से इधर से नहीं, इस बच्चे की बिजली की वजह से मौत हुई है तो इसके लिए क्या करेंगे, क्या करेगा प्रशासन? यह अगर जो है बिजली विभाग के लापरवाही से है तो इसमें अनुग्रह धनराशि देने का प्रोविजन है, इसमें उसकी टीम आएगी, जांच करेगी और इसको हम स्वीकृत करके दिलाएंगे। जिस तरह से इससे पहले भी बताया जा रहा है कि मौतें हुई हैं, तो क्या बिजली विभाग के खिलाफ कोई कार्रवाई होने जा रही है? अब नियम में आता है तब होगा ना कुछ, अभी तो इसकी जाँच होगी विधिवत। ठीक है, धन्यवाद।